हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस को और थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट को, जिसमें हम पोलराइजेशन थ्योरी और पाई बॉन्डिंग थ्योरी को स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस के साथ। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। सो यहां पे हम लेते हैं स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स के, हमारी मेटल M है, यहां पे T है, ये हमारे X है और ये हमारी लिगेंड है। ऑल राइट, सो ये क्या हमारे एक स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स है। सो यहां पे ये क्या है, सपोज ये हमारी जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो हमारा एंटरिंग लिगेंड होगा, ये जो वाई है, ये कहाँ पे अटैक करेगा बच्चों, ये अटैक करेगा जेड एक्सिस से। और यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पी जेड ऑर्बिटल्स होंगे। पी जेड ऑर्बिटल्स क्या, हमारी एम्प्टी लो एनर्जी की ऑर्बिटल्स है, जिनमें जो आसानी से क्या कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो डोनेट करेगा हमारा एंटरिंग लिगेंड है वाई। क्लियर है? तो ये अटैक करेगा, अटैक्स दी एम्प्टी पी जेड ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, स्क्वायर पिरामिडल, हमारा मेटल M, T और यहाँ पे X, लिगेंड L, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा हमारा Y। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट, पिरामिडल इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर देखते हैं बच्चों, कितना आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कितना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज इक्वल टू 5। उसके बाद ये वाला जो इंटरमीडिएट होता है बच्चों, ये रीअरेंज करता है अपने आप को एक स्टेबल ट्राइगोनल बायपिरामिडल इंटरमीडिएट के अंदर। तो दिस इंटरमीडिएट रीअरेंजेस इटसेल्फ इनटू द स्टेबल ट्राइगोनल बायपिरामिडल इंटरमीडिएट, दैट इज एम, here is T and here is X and here is T and here is Y, metal M, here is the ligand L. क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये वाला जो हमारा इंटरमीडिएट है, ये रीअरेंज करता है अपने आप को किसमें, स्टेबल ट्राइगोनल बायपिरामिडल इंटरमीडिएट के अंदर। तो क्या है ये, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इस तरीके से बना सकते हैं इसको। क्लियर? सो क्या है ये, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए, y, x और t, ये जो हमारे तीनों लिगेंड्स है किसमें, वो इक्वेटोरियल प्लेन में है। और अगर हम बात करें दो लिगेंड्स की, ये जो हमारे दोनों l लिगेंड्स है जो ट्रांस है एक दूसरे के, ये किसमें, हमारे एक्सियल पोजीशंस पे हैं। सो ये क्या है हमारा, बन गया एक स्टेबल इंटरमीडिएट ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सो यहाँ पे भी अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कितना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। उसके बाद यहाँ से क्या फॉर्म होगा, ये हमारी मेटल M और यहाँ पे T, ये हमारा X और यहाँ पे क्या आ जाएगा, X और यहाँ पे Y, पे L, पे भी L। तो ये क्या है हमारी, स्क्वायर पिरामिडल, क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। और फाइनली X जो हमारा बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा X और फाइनल प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा M, रिजल एंड हेरिजल T and here is Y plus X। So यहाँ पे हमें जो अपना final product है बच्चों, वो मिल गया है। और ये कैसा है, 4 coordination number होगा इसका, और क्या है, square planar है, square planar क्या हमारा product है। So यहाँ से हमें क्या obtain हो गया, with the release of X we get the final product that is in square planar, coordination number that is equal to 4, 1, 2, 3,
1, 2, 3 and 4. ऑल राइट. सॉल्वेंट असिस्टेड मैकेनिज्म. सो यहाँ पे लेंगे हम कॉम्प्लेक्स हियर इज एल, एल टी हियर इज एक्स. ओके सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्टली सॉल्वेंट का अटैक होगा, सॉल्वेंट यहाँ पे ऐड होगा, उसके बाद जो वाई लिगेंड है हमारा वो आएगा. सो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट एस. सो ये जो मैकेनिज्म होगा किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट. सो यहाँ पे अब क्या फॉर्म हो जाएगा, एम मेटल एंड हियर इज टी एक्स लिगेंड एंड हियर इज एस दैट इज सॉल्वेंट. हियर इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5, 1, 2, 3, 4 and 5. Then with the release of this x here y adds, so minus x and plus y. M is the metal, T and here is L, L and here is a solvent and here y. All right, this is square pyramidal. So ye kya bachcho hamare paas square पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल है. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे, 5 है. तो अब ये क्या होगा, रीअरेंज होगा स्टेबल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की फॉर्म में. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एम हमारी मेटल है और ये हमारे दो लीगेंड, पे टी पे वाई और यहाँ पे एस. क्लियर. तो ये क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बाई पिरामिडल. और यहाँ पे भी अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 5, 1, 2, 3, 4 and 5. देन एम इज हेयर, टी एल एल एंड हेयर इज वाई, हेयर इज एस सॉल्वेंट. देन विद द रिलीज ऑफ दिस एस सॉल्वेंट वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट, एम हेयर इज एल, हेयर इज टी, हेयर इज वाई, इट इज इन स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर प्लस एस. एंड यहाँ पे देखिए बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4. तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा, उसका 4 रहेगा. सो ये क्या था हमारा, सॉल्वेंट असिस्टेड मैकेनिज्म. सो नेक्स्ट टॉपिक है थेरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट. सो इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है रिएक्शन की. सो डिफरेंस होता है एनर्जी का रिएक्टेंट की ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट के बीच का, उसे हम बोलते हैं बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, इट इज द डिफरेंस between the reactant ground state and the first transition state. All right, so activation energy kya hoti hai reaction ki bachcho, डिफरेंस होता है रिएक्टेंट की ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट के बीच का, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. और जो स्टेबिलिटी है हमारी ग्राउंड स्टेट की और जो ट्रांजिशन स्टेट की, वो अफेक्ट कर सकती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को जो रिक्वायर होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए. सो द स्टेबिलिटी ऑफ बोथ, द स्टेबिलिटी ऑफ बोथ द ग्राउंड स्टेट and of the transition state can affect the activation energy can affect the activation energy that is required for the
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फॉर दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो जो स्टेबिलिटी होती है हमारी ग्राउंड स्टेट की भी और ट्रांजिशन स्टेट की भी अफेक्ट कर सकती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को, जो रिक्वायर होती है हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए. सो यहाँ पे हम एनर्जी के रिलेशनशिप को देख सकते हैं, डॉट के ग्राफ. यहाँ पे हमारी एनर्जी ई है और यहाँ पे रिएक्शन प्रोफाइल, रिएक्शन प्रोफाइल पे हमारी रिएक्टेंट्स, हमारे प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स और यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स, क्या हो गई प्रोडक्ट्स. सो मुझे बताइए यहाँ पे ये रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट और ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, तो इसके डिफरेंस को क्या मैं एक्टिवेशन एनर्जी बोल दूँ? बच्चों होती क्या एक्टिवेशन एनर्जी, डिफरेंस होता है रिएक्टेंट की ग्राउंड स्टेट और जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है उनके एनर्जीज के बीच का, तो वही है ये. तो लिख सकते हैं इसको, सो ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू ई ए, ई ए. सो ई ए क्या है यहाँ पे हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज ई ए. ऑल राइट, समझ में आ गया इतना. नेक्स्ट एक्टिवेशन जो हमारी एनर्जी है उसको हम दो वेज से लो कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए. सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एनी रिएक्शन कैन बी लोवर्ड बाय either of the two ways. So, देखिए बच्चे हमारे पास फर्स्ट जो है कैसे हम करेंगे, यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट की जो हमारी एनर्जी होगी रिएक्टेंट्स की उसको हम बढ़ा देंगे. सो बाय रेजिंग द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट of the reactants और किस तरीके से करेंगे हम इसको, by weakens the metal ligand bond, metal और जो ligand का bond होगा उसको weak बना के, और कौन से वाले को, जो trans होगा उसके, by weakens the metal ligand bond trans to itself जो उसके अपोजिट होगा मेटल लिगेंड बॉन्ड, उसको वीक बना के हम क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं एनर्जी को ग्राउंड स्टेट की रिएक्टेंट की. इससे क्या होगा, जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है वो घट जाएगी. सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ग्राउंड स्टेट थी रिएक्टेंट्स उसकी एनर्जी को हमने पहले क्या किया था, बढ़ाया था. अब हम क्या करें, अगर जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है उसकी एनर्जी को अगर हम लो कर दें तो क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी घट जाएगी. सो दूसरा मेथड क्या है, बाय लोवरिंग दी एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट. और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा के, ठीक है, उसको स्टेबल बना के, बाय लोवरिंग द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट. एंड दिस कैन बी डन बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट, एंड दिस कैन बी डन बाय स्टेबलाइजिंग द And this can be done by stabilizing the transition state. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दो वेज हैं. फर्स्ट में हमने क्या किया, रेज की एनर्जी को ग्राउंड स्टेट की रिएक्टेंट की, बाय वीकेंस दी मेटल लिगेंड बॉन्ड ट्रांस टू इटसेल्फ. सेकंड में क्या किया, लो किया एनर्जी को ट्रांजिशन स्टेट की, एंड दिस कैन बी डन बाय स्टेबलाइजिंग दी ट्रांजिशन स्टेट. पीटीएक्स बॉन्ड जो होता है बच्चों हमारा, वो इन्फ्लुएंस होता है पीटीटी बॉन्ड से. ऐसा क्यों है, बिकॉज दोनों क्या करते हैं हमारे, यूज करते हैं पीटी पीएक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स को. और जो हमारा पीटीटी बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिग्मा जो हमारा स्ट्रांग होता है, सिग्मा बॉन्ड जो हमारा पीटी और टी का वो स्ट्रांग होता है, तो ये क्या करता है, लार्ज पार्ट जो है इन ऑर्बिटल्स का वो यूज करता है, और जो लेस कुछ पार्ट हमारा जो होता है वो यूज करता है हमारा पीटी
एक्स वाला। तो यहाँ से क्या हो जाता है, पी टी और टी जो हमारा सिग्मा बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग है ये वीकन कर देता है पी टी एक्स बॉन्ड को। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पी टी एक्स बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया, हमारा वीक बॉन्ड है। तो इसकी जो एनर्जी होगी ग्राउंड स्टेट की वो क्या है, बढ़ जाएगी, और इसको तोड़ने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या है हमारी लार्ज ओवरलैपिंग, लार्ज ओवरलैपिंग, और यहाँ पे क्या हो रही है लेस ओवरलैपिंग, यहाँ पे लेस ओवरलैपिंग, लेस ओवरलैपिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स टू फंक्शन एज सिग्मा डोनर्स, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी, द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ द लिगेंड्स, द लिगेंड्स टू फंक्शन एज, टू फंक्शन एज सिग्मा डोनर्स, सिग्मा डोनर्स द लिगेंड्स अरेंज्ड एज, लिगेंड्स मे बी अरेंज्ड एज, यहां पर क्या आ जाएगा एच नेगेटिव, पी आर थ्री, एस सी एन नेगेटिव, आई नेगेटिव, देन सी एच, देन सी एच थ्री, देन सी ओ, सी एन नेगेटिव, सी एच थ्री नेगेटिव, देन बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एन एच थ्री एंड ओ एच नेगेटिव। तो ये हमारा ट्रेंड आ जाएगा, एच नेगेटिव है, पी आर थ्री, उसके बाद सी एस सी एन नेगेटिव, देन आई नेगेटिव, उसके बाद सी एच थ्री नेगेटिव, देन सी ओ सी एन नेगेटिव, उसके बाद बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एन एच थ्री और उसके बाद ओ एच नेगेटिव। ऑल राइट स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन थियरी, पोलराइजेशन थ्योरी। सो बच्चों फर्स्ट हम पढ़ते हैं पोलराइजेशन थ्योरी को। ये जो थ्योरी है किस बारे में मैं बताती हूँ, तो ये कंसर्न करती है इफेक्ट ग्राउंड स्टेट के ऊपर क्या होगा जो हमारी वीकनिंग से बॉन्ड की, जो हमारी पी टी एक्स जो ट्रांस में प्रेजेंट है, पी टी एक्स बॉन्ड के जो ट्रांस होता है हमारा पी टी टी बॉन्ड के। सो दिस थ्योरी कंसर्न विद द इफेक्ट ऑन, इफेक्ट ऑन द ग्राउंड स्टेट, इफेक्ट ऑन द ग्राउंड स्टेट in terms of weakening of PTX bond, PTX bond trans to the PT T bond। ठीक है, तो ये किससे कंसर्न करता है, हमें इफेक्ट बताता है ऑन द ग्राउंड स्टेट, कंसर्न विद इफेक्ट ऑन द ग्राउंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ वीकनिंग ऑफ पी टी एक्स बॉन्ड दैट इज ट्रांस टू दी पी टी टी बॉन्ड। और इसको दिया किसने था, दिस सजेस्टेड बाई ग्रीनबर्ग, दिस थ्योरी सजेस्टेड बाई ग्रीनबर्ग, ग्रीनबर्ग याद रखेंगे इसको। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, लेट अस कंसिडर द टू बॉन्ड्स, एक तो कौन सा होगा हमारा यहाँ पे पी टी, एक तो होगा पी टी टी और एक होगा पी टी एक्स। तो ये दो बॉन्ड यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं, पी टी टी बॉन्ड एंड पी टी एक्स बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, पी टी टी बॉन्ड है हमारे पास और पी टी एक्स बॉन्ड है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ट्रांस हैं, ट्रांस एक दूसरे के ट्रांस टू ईच अदर। और यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि जो टी हमारा जो लिगेंड है वो ज्यादा पोलराइजेबल है एक्स से। सो सपोज टी लिगेंड इज मोर पोलराइजेबल, is more polarizable, polarizable than X ligand, than X ligand, या फिर हम लिख सकते हैं than ligand X, all right? So यहाँ पर जो हमारा T ligand है वो ज़्यादा polarizable है X की compare में। तो अब यहाँ पर देखो जो हमारी metal होती है उसके ऊपर charge होते हैं, तो charge जो metal है वो क्या करेगी, जो electron है इस T ligand के उनको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरह से जो डाइपोल है हमारा मेटल के अंदर भी हो जाएगा इंड्यूस। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इस तरीके से दूसरी में यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और जो ओरिएंटेशन है हमारे इस डाइपोल की, इस तरीके से होगी मेटल आयन पे कि जो हमारी मेटल है वो क्या करेगी, रिपेल करेगी जो नेगेटिव चार्ज है किस पे, एक्स पे। तो वहाँ पे वो क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो इससे क्या होगा, जो
अट्रैक्शन है पीटी और एक्स बॉन्ड के बीच में वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिससे जो हमारा पीटी एक्स बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, उस लेंथन हो जाएगा, लेंथ उसकी बढ़ जाएगी और वो क्या हो जाएगा हमारा लेंथन हो जाएगा और वीक हो जाएगा वो हमारा, तो वीक बॉन्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा इजली ब्रेक हो जाएगा। एक्सरे स्टडीज से हमें पता चला है यहाँ पे इस PTCL टू PME3 होल ट्वाइस के केस में यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो PTCL डिस्टेंस है वो लेंथ एंड हो जाता है 236.4 एंड 238.8 पिकोमीटर, और यहाँ पे क्या होता है जो हमारी ट्रांस PTCL टू PET3 होल ट्वाइस है यहाँ पे जो PTCL डिस्टेंस रहता है 229.4 पिकोमीटर रहता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी, और ये जो CL होता है यहाँ इस केस में जो CL है वो क्या होता है ट्रांस होता है PME3 के, देखिए किस तरीके से होता है यहाँ पे PT और यहाँ पे CL PME3 और यहाँ पे भी PME3 और यहाँ पे क्या रहेगा PT CL CL और यहाँ पे PET3 और यहाँ पे PET3 इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो CL है हमारा क्या है ट्रांस है, इसकी क्या है हमारी ट्रांस, अपोजिट है ना दोनों, तो क्या है ट्रांस में ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी CL डिस्टेंस है वो क्या है ज़्यादा है एज कंपेयर टू हमारे यहाँ के कंपेयर में, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, अब देखो ज्यादा अगर होगी हमारी, अगर ज्यादा क्या हो जाए बॉन्ड लेंथ हो जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है उसका इन्वर्स होती है, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो अब इसकी क्या होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ PTCL की वो क्या होगी हमारी कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे अब इसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा हमारा आसान हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जो हमारी पोलराइजेशन है वो क्या है डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए उसकी ट्रांस इफेक्ट की। So, thus according to this theory, the polarization of the ligand should be directly related to its trans effect, to its trans effect। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है एक दूसरे की ट्रांस है, तो यहाँ पे इनको ब्रेक करना क्या हो जाएगा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सो नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं पाई बॉन्डिंग थ्योरी को। ये जो थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है ट्रांस इफेक्ट ऑन अटैच लिगेंड्स का, जो पाई एक्सेप्टर्स होते हैं लाइक CO है C2H4 है, सो इट एक्सप्लेन दी ट्रांस इफेक्ट ऑफ दोज अटैच लिगेंड्स विच आर पाई एक्सेप्टर्स लाइक CO, C2H4 etc. ओके एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वैन द टी लिगेंड फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर बॉन्ड विद द मेटल charges removed from PT and the entrance of another ligand to form a five coordinate species becomes more easy। All right? So इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, जो हमारा टी लिगेंड है वो फॉर्म करता है जब स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर बॉन्ड मेटल के साथ में, तो उसका जो चार्ज है वो रिमूव हो जाता है और जो एंट्रेंस है अनदर लिगेंड की, जो दूसरा हमारा लिगेंड आएगा जो फॉर्म करेगा फाइव कोऑर्डिनेट स्पीशीज, वो क्या हो जाता है बहुत ईजी हो जाता है हमारा उसका बनना। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हम देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ऑर्डर है पाई एक्सेप्टर एबिलिटी का लिगेंड की, तो फर्स्ट है C2H4, उसके बाद है हमारे पास CO, देन C नेगेटिव
एनओ टू नेगेटिव, सी एन नेगेटिव, वाई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एन एच थ्री एंड देन ओ एच नेगेटिव। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है ये देखिए, पोलराइजेशन जो इफेक्ट है वो वीकन करता है बॉन्ड्स को ग्राउंड स्टेट में, जबकि जो हमारी पाई बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग जो टेंडेंसी वो स्टेबलाइज करती है ट्रांजिशन स्टेट को। जो दोनों फैक्टर हैं हमारे वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसको, ट्रांस इफेक्ट को। और जो हमारी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके हम पाई जो बॉन्डिंग है उसको हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। सो समझ में आ गए दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। सो के स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है इन टॉपिक्स में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।